तो गाइज मैं एक सरप्राइज़ प्लान करने आया हूँ चीकू के लिए, क्योंकि मैंने उसको कुछ गिफ्ट दिया नहीं था, तो मैं गिफ्ट देने आया हूँ, गिफ्ट लेने आया हूँ उसके लिए। तो आप देखिए क्या लेता हूँ उसके लिए मैं, और ये नेहा को भी नहीं पता कि मैं कुछ गिफ्ट लेने आया हूँ उसके लिए। तो देखिए क्या लेते हैं, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो गाइस गिफ्ट मैंने पैक करा लिया है, और देखते हैं उस गिफ्ट में आपके लिए भी सरप्राइज़ है। देख गैस करना क्या है क्या नहीं है, वैसे तो आपको पता लग ही जाएगा, पर फिर भी एक बार गैस करना। कौन लेके आया चिकू इसको? पापा मेरे लिए। क्या है ये? थैंक यू बोला अपने पापा को? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित व्लॉग्स। सो अभी जो है ना, मुझे एक्चुअली हंसी आ रही है थोड़ी, एंड अभी ना टाइम हो रहा है 7 बजे का। सो हम लोग जा रहे हैं बाहर, एंड इससे पहले जो आपने व्लॉग देखा होगा गाइस, क्या हुआ मेरा? ये सो उससे पहले जो आपने व्लॉग देखा होगा वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने बनाया है, एंड यस उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ऐसे व्लॉगिंग करी है। सो मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ उनका, एंड मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है क्योंकि उनको गाइस व्लॉगिंग नहीं आती है, बट कोई नहीं, वो ग्रेजुअली सीख जाएंगे धीरे धीरे ना। एंड यस इस सरप्राइज़ के बारे में गाइस मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसे ऐसे कुछ सरप्राइज़ लेके आने वाला है, क्योंकि हमारा कोई प्लानिंग नहीं था कि चीकू को ये कुछ देना। हमने सोचा था कि ये नेक्स्ट ईयर दे देंगे चीकू को ना 10th house, बट पता नहीं हस्बैंड के दिमाग में क्या आया क्या नहीं, तो उन्होंने अपने आप ही ये सरप्राइज़ प्लान कर लिया। एंड आपने देखा ही होगा ब्लॉग में चीकू काफ़ी एक्साइटेड हुई थी, कुछ मोमेंट्स मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि एज यू नो गाइज 8th month चल रहे हैं, एंड प्रेगनेंसी की वजह से हालत थोड़ी ख़राब ही रहती है, कभी ठीक कभी ख़राब। एंड गाइज आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, एंड जो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना। एंड गाइज आज है हमारी 5th wedding anniversary। येस गाइज आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं गाइज, कितना जल्दी टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सो अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि अभी देखो इवनिंग हो चुकी है, 7 o'clock हो चुके हैं, अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग कुछ करेंगे या नहीं, क्योंकि अभी देखो 29 June को ये मतलब 2 दिन पहले ही हमने चीकू का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, बाहर से खाया पिया, केक वगैरह कट करा। सो वी थॉट कि यार बस ठीक है यार, अब मन नहीं है। सो हस्बैंड ने बोला कि यार ठीक है ना, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो करना बनता ही है, तो अभी देखते हैं। हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं बाहर क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स भी लेनी है, क्योंकि वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई हैं, एंड मैं मेनली तो मैं अपने नीचे जो मेरा सोसाइटी वाला सब्जी वाले भैया मैं उन्हीं से ही लेती, पर वो अभी है नहीं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ बाहर से सब्जी लेने। एंड प्लस हम मंदिर भी जाएंगे मत्था टेकने के लिए, और क्या कहते हैं कुछ बाहर से देखते हैं खाने पीने का, सिंपल रोटी सब्जी ही लेंगे क्योंकि कुछ भी स्नैक्स वगैरह ये सब खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, बाकी डिपेंड करता है गाइस क्रेविंग के ऊपर, अगर बाई चांस कोई क्रेविंग हो गई बाहर जाने के बाद तो मैं ज़रूर ले लूँगी तो बस ये गाइस। सो मैं दिखाती हूँ आपको जो भी करते हैं क्या क्या होता है आगे, व्लॉग में बने रहेगा। सो मैं अभी फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड एंड चीकू नीचे जा चुके हैं कार में। सो चलो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस अभी हस्बैंड गए हैं मंदिर के लिए प्रसाद लेने के लिए, कि सोचा कि चलो आज एनिवर्सरी है जिसको हिंदी में कहते हैं शादी की सालगिरह, तो सोचा कि यार चलो भगवान को प्रसाद भी चढ़ा देते हैं, तो इसी वजह से जो है गए हैं वो प्रसाद लेने के लिए। एंड ये इतनी देर से मेरा देखो ये वॉच किसकी है पता नहीं, ये किस चीज़ की आवाज़ आई थी ना अभी चीकू, तो एंड ये इतनी देर से मुझे परेशान कर रही है,
नाइट टाइम पे गॉगल कौन लगाता है चीकू? क्योंकि आप एंटिक पीस हो ना। सो अब बस वो प्रसाद लेके आते हैं एंड हम जाते हैं मंदिर, देन मैं आपको दिखाती हूँ। बोलो बस आपकी नौटंकियाँ, इसकी नौटंकियाँ स्टार्ट हो जाती हैं कैमरा ऑन करते ही। तो गाइस यहाँ है ना, हम पहुँच गए हैं मंदिर एंड चीकू को देखो, उसको मेरी हर एक कॉपी करनी होती है। मैंने हैंड वॉश करे तो वो भी हैंड वॉश करने चले गई, वैसे तो चलो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर देखो कितने अच्छे से पूजा कर रही है। एंड गाइस मैंने इनको मतलब मैंने ना चीकू कुछ नहीं सिखाया, वो आपे मतलब अपने आप ही करती है ऐसे। और मैंने इसको काफ़ी मना करा कि बेटा इवनिंग टाइम जल नहीं चढ़ाते, बट बच्चों का कोई नहीं, हर एक चीज़ भूल चुक माफ़ होती है, बच्चे हैं ना समझ है। एंड मैं आपको यहाँ मंदिर दिखा रही हूँ, काफ़ी बड़ा मंदिर है, हम मेनली यहीं पे ही आते हैं। मुझे भी पिलाएंगे। ये फुटबॉल को डाल दिया अपना हाथ से, गुलाब का लाल गुलाब और दोनों हाथ पकड़ डालो जाए बगा जी, ये इनको डाल आप डालो मनाए। अभी बस जो है मैं सब्जी लेकर आई हूँ, आप ये देख सकते हो पीछे, मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि एक तो गए समझ ही नहीं आता क्या सब्जी लूँ क्या ना लूँ। एंड मैडम को देखो, मैंने इसको इतना मना करा कि बेटा मौसम जो है खराब चल रहा है, आइसक्रीम जो है मत खाओ, पर ये बच्चे कहाँ मानते हैं, इनको जितना मर्जी बोलो। और ये फिर ऐसे करने लगते हैं कि इन्होंने कभी जिंदगी में आइसक्रीम खाई ही नहीं है। एंड इसका ही नहीं सारे बच्चों को ही होता है, हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, एक चीज़ की जिद पकड़ के बैठ जाते थे। एंड पतिदेव अभी लेने गए हैं खाना, एंड खाने में मैंने उनको बोल दिया कि दाल मखनी ले आओ एंड रोटी ले आओ, अच्छा है ना घर जाके बनाना नहीं पड़ेगा। एंड वैसे भी पापा ने भी बोल दिया था कि बाहर से ही ले आओ, एनिवर्सरी अब देखो बार बार तो आती नहीं है, ये भी साल में एक ही बार आनी होती है। सो बस अब खाना लेके जो है हम घर जाएंगे, फिर घर जाके जो है खाना खाते हैं। एंड कल है संडे, सबसे अच्छी बात ये होगी कि आज सैटरडे है ना, एंड तो कल संडे है तो हम फ्री हैं फिर। और कल क्योंकि जो है ना मैंने इसके स्कूल की भी जो है सारी प्रिपरेशन करनी है, इसकी यूनिफॉर्म निकालनी है, पता नहीं कहाँ रखी हुई है, और बाकी की सारी चीज़ें करनी है। एंड चीकू यहाँ पे कर रही है अपना आइसक्रीम इंजॉय। एंड गाइज अब ना इतनी प्रॉब्लम होती है, आप मानोगे इतना ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है ना, मतलब मैं अब कहीं जाने लायक तो हूँ नहीं, मतलब मैं ज़्यादा दूर ना ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती थी और अब मैं वैसे भी नहीं कर सकती क्योंकि जो है ना मतलब बार 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 मेरे को यूरिन इतना पास हो रहा है, तो इस वजह से आई कॉन्ट ट्रेवल सो लॉन्ग। बस अब ये खाना लेकर आते हैं फिर हम घर जाते हैं, बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ आगे। सो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। बाय गाइज, को बोलो गाइज आइसक्रीम खा लो, मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ, मैं सारा टाइम फ्रूटी पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ एंड आइसक्रीम खाता हूँ। एंड आइसक्रीम गिराओ मत कार में, डैडी गुस्सा करेंगे। एंड ये पता नहीं इसको क्या शौक हो गए, गॉगल नहीं उतार रही। एंड गाइस उधर देखो वो माला आपने देखा ही होगा, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना उसे, एक तो हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि यार और भी लोग थे मंदिर में ना एंड वो देख रहे थे मेरे को, तो बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा पंडित जी आप दोबारा शादी करवा रहे हो? सो बट इट वॉज रियली फनी जो भी था। तो चलो एंड चीकू भी उस टाइम पे देख रही थी क्या हो रहा है। तो चलो गाइज मैं आपको घर जाके मिलती हूँ। सो यहाँ पे हो रहा है गाइज हमारा मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन। एक्चुअली क्या था, एक ना कैंडल बिल्कुल जल ही नहीं रही थी, तो उसके चक्कर में मेरा थोड़ा सा हैंड भी बर्न हो गया था, वो वैक्स गिर गई थी उस चक्कर में ना। एंड चीकू को देखो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है, वो मुझे बार बार कह रही थी मम्मा आज आपका बर्थडे है, वो हैप्पी बर्थडे करने लगी थी। गाइज आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। एंड जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब जरूर करना एंड चैनल को लाइक करना, शेयर करना विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग बस केक कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। एंड मैं ना यहाँ पे सबको कह रही हूँ यार सारे लोग तुम कैमरे में क्यों घुस जाते हो।
क्योंकि क्या होता है ना, मम्मी पापा बहुत ही रेयर आते हैं मेरी वीडियोस में, वो आते मतलब उनको थोड़ा ना शाई फील होता है, गाइस हम ज़बरदस्ती किसी को अपने व्लॉग में नहीं लेके आ सकते अंटी ने अनलेस वो आना ना चाहें, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आती हूँ। तो यहाँ पर बस केक कटिंग हमने कर दी है एंड चीकू को तो बस लग रहा था कि मैं फटाफट से खाऊं सबसे पहले, तो उसने देखा आपने चेरी उठा लिया यहाँ से। सो फाइनली गाइज हमारी मैरिज को 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। सो आप देख सकते हैं अभी ये मेरी छोटी सी फैमिली है, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो है सिंगल चाइल्ड हैं, कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है उनका। सो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, मैं एंड चीकू, एंड एक और बेबी कमिंग सून है, उससे भी आप लोगों को जल्दी मिलवाऊंगी मैं जैसे ही आएगा बेबी। तो बस यहाँ पर हमारा सेलिब्रेशन चल रहा है, तो ऐसे ही गाइज छोटे छोटे फंक्शंस आते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में ही काफ़ी जो है इन्जॉयमेंट हो जाते हैं। एंड चीकू को अपने मम्मी पापा से, सॉरी अपने मम्मी पापा से नहीं, दादू दादी से इतना प्यार है। बस देखो चीकू ने कर दिया शुरुआत यहाँ पे केक लगाने की, एंड अब मेरे फादर इन लॉ जो हैं पापा भी बस लगाने लग जाएंगे, एंड मुझे इस चीज़ से सख्त नफरत है, और ये लोग बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे गाइज। सो बस यहाँ पर हमारा सेलिब्रेशन हो गया है मैरिज एनिवर्सरी का, एंड खाना है कड़ी दाल एंड रोटी गाइस। सो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।